राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ते हैं, पढ़ना है पावर पॉइंट स्टडी में लूसेंट राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। किसके बारे में पढ़ना है आज अपन को? राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ना है। इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर के रूप में, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे दंती दुर्ग 752 ईस्वी में, ठीक है। 752 ईस्वी में क्या थे? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी इन्होंने, किसने? दंती दुर्गन ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी इन्होंने, अपनी रानी इसको इन्होंने अपनी राजधानी कैपिटल, ठीक है। इन्होंने क्या अपना अपनी कैपिटल को किसको बनाया था? मानखेर को, मान खेत, मान खेत को क्या किया था इन्होंने? क्या किया था? अपनी कैपिटल के रूप में बनाया था। इनके बारे में बहुत अच्छी बात कही जाती है कि इन्होंने, ठीक है, इन्होंने उज्जैन में, किसने? इन राजा ने उज्जैन में, उज्जैन में, उज्जैन में क्या किया था इन्होंने? हरण, किसको? हरण गर्भ दान में दिया था, ठीक है। क्या दिया था इन्होंने? हरण गर्भ क्या दिया था इन्होंने? दान में दिया था, ठीक है। इनकी उपाधियां कौन थी? राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे दंत दुर्गण 752 ईस्वी में क्या की थी इन्होंने? इस धर्म की स्थापना की थी, इस वंश की स्थापना की थी। किसकी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी जिन्होंने, जिनकी कैपिटल को इन्होंने मान खेत को क्या बनाया? अपनी कैपिटल के रूप में बनाया ना। और इन्होंने उज्जैन में हरण गर्भ दान में दिया था। इनकी उपाधियां, ठीक है, इनकी उपाधियां भी जानी जाती है। इनकी उपाधियां में कौन कौन सी उपाधियां शामिल थी? महाराज, अधिराज, अधिराज, परमेश्वर, ठीक है, परमेश्वर, ठीक है, और परम भट्टक, परम भट्ट रख क्या थी इनकी प्रमुख उपाधियां थी जिन्हों इन्होंने क्या की थी? धारण की थी। इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने दुर्ग वंत ने क्या किया था? इन्होंने अपने उत्तराधिकारी, ठीक है, अपने उत्तराधिकारी किसको चुना इनको इन्होंने? इसके बाद कौन है? कृष्ण प्रथम, इन्होंने इनको क्या कर दिया था? अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था इन्हें। इन्होंने क्या कहते? कृष्ण प्रथम ने इनकी बहुत अच्छी, एक तरीके से प्रतापी राजा के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने बादामी के चालुक्य को, बादामी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य को का अस्तित्व समाज से, अस्तित्व समाज से, समाप्त करके क्या किया था इन्होंने? गंग गो गांगो की राजधानी पर, गांगो की राजधानी क्या नाम था इसका? मान्यपुरम, मान्यपुर पर क्या किया था इन्होंने? कब्जा कर लिया था। क्या कर लिया था इन्होंने? कब्जा, ठीक है। क्या किया था? मान्यपुर पे क्या किया था इन्होंने? कब्जा कर लिया। बादामी के चालुक्यों को हराने वाला, मतलब एक तरीके से क्या कहते हैं, कृष्ण प्रथम ने क्या किया था? पूरी तरह से बादामी चालुक्यों को अस्तित्व समाज से क्या किया था? अस्तित्व समाज से समाप्त करके इन्होंने इनकी राजधानी मान्यपुर पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था, कि पूरी तरह से इनको खत्म कर दिया था। और इन्हीं के द्वारा, ठीक है, कृष्णदेव प्रथम के द्वारा क्या बनाया गया? एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया गया, ठीक है। कृष्ण प्रथम के द्वारा किसका निर्माण कराया गया? एलोरा की विख्यात, एलोरा की विख्यात कैलाश, ठीक है। क्या किया था इन्होंने? एलोरा के विख्यात किसका? कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। इनके ही द्वारा किसका निर्माण किया था? एलोरा के विख्यात कैलाश मंदिर का क्या किया था? इनके द्वारा निर्माण कराया था। कृष्ण प्रथम के द्वारा क्या किया था? इसका निर्माण कराया था, ठीक है। इसके बाद कृष्ण प्रथम के बाद कौन आया? इस कृष्ण प्रथम ने क्या किया था? इतना सब कुछ करने के बाद इनकी क्या हो गई? इन्होंने क्या कर दिया? अपने आप को इससे अलग कर लिया। किसको? राजनीति से क्या कर लिया? अपने आप को अलग कर लिया।
ठीक है। इसके बाद कौन है, इनके पुत्र ध्रुव, ठीक है। ध्रुव क्या है, ये राष्ट्रकूट शासक थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने कन्नौज को पीछे पढ़ाया था हमने से, कन्नौज, ठीक है, कन्नौज पर अधिकार, करने हेतु, कन्नौज पर अधिकार करने हेतु क्या किया था इन्होंने, इन्होंने दो वत्स राज और वत्स राज और धर्मपाल को पराजित किया था। धर्मपाल को क्या किया था, इन्होंने हराया था, ठीक है, इन्होंने द्वारा क्या किया था, हराया किसको, वत्स और धर्मपाल को क्या किया था, इन्होंने हराया था, ठीक है। ठीक है, कन्नौज पर अधिकार करने हेतु, ठीक है, वत्स और धर्मपाल को क्या किया था, ध्रुव ने क्या किया था, हराया था, जी कौन से इनके तीसरे राजा के रूप में जाना जाता है, ठीक है, राष्ट्रकूट के तृतीय राजा के रूप में किनको जाना जाता है, ध्रुव को जाना था, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए वत्स और धर्मपाल को हरा दिया था, क्या किया था, वत्स और धर्मपाल को एक तरीके से पूरी तरह से नेस्तनाबूद खत्म कर दिया था, ठीक है। इसके बाद क्या किया था, और इन्हें, इनको इस टाइप से एक उपाधि मिली, ठीक है, उपाधि मिली इन्हें, उपाधि के क्या नाम था, उपाधि का था धारावर्ष, धारावर्ष नाम से क्या मिली, एक उपाधि के रूप से जाना जाता था, धारावर्ष क्या था, उपाधि के रूप में जाना जाता। इनके बाद क्या हुआ, इनके पुत्र आए, ठीक है, अब इसमें जगह नहीं है तो इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, जगह नहीं है तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ तक थोड़ा क्या, पूरी मिटा देते हैं, ठीक है। क्या हुआ था, इनके द्वारा क्या किया था, इनके बाद कौन से इनके पुत्र, इनके पुत्र का क्या नाम था, इनके पुत्र का नाम था गोविंद तृतीय, जिसको आपको पहले उसमें बताया, पहले वाली उसमें कि गोविंद तृतीय ने क्या किया था, गोविंद तृतीय, इन्होंने प्रतिहार वंश में प्रतिभा हंस के राजा से इन्होंने युद्ध किया था, जिसमें जे क्या हो गए थे, हार गए थे, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, जे हार गए थे, ठीक है। इन्होंने भी वही काम किया, इन्होंने क्या किया, जब जे युद्ध, पहले इन्होंने युद्ध लड़ा तो जी हार गए थे, ठीक है, किससे हार गए थे, कन्नौज पर, क्या कहते थे इन्होंने, कन्नौज पर क्या किया था, सब एक तरीके से युद्ध करने गए थे तो जी क्या हुआ था, पहले तो हार गए थे, मगर इसके बाद जब इन्होंने दोबारा अधिक युद्ध लड़ा तो इन्होंने कन्नौज क्या किया था, इन्होंने कौन सा चक्रा युद्ध किया, ठीक है, क्या किया, चक्रा युद्ध किया, जिन नागभट्ट द्वितीय से हारने के बाद इन्होंने क्या हुआ था, चक्रा क्या किया था, चक्र युद्ध करके, कन्नौज पर अधिकार किया था, अधिकार किया, चक्रा युद्ध मतलब इस चक्रा क्या थे, यहाँ के संरक्षण थे, ठीक है, कन्नौज पर क्या करते थे, ये राजा थे, ये वो नहीं थे, कोई वो नहीं है, राजा थे और इनके संरक्षण दो साथी और थे, इनके इनके दो साथी कौन कौन से थे, इनके थे धर्मपाल और प्रतिहार नरेश, प्रतिहार नरेश क्या था, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय, इनके में एक थोड़ी संशय है कि इनके उसमें कहा गया कि इन्होंने नागभट्ट द्वितीय को हराया था, फिर इन फिर उस उसमें नागभट्ट द्वितीय में कहा कि इनको हराया था, इसका कोई कन्फर्मेशन प्रमाण नहीं है, क्योंकि इनमें दोनों दोनों में क्या है, अलग अलग टॉपिक टाइप से बताया, इनके द्वारा बताया गया कि हमने इन्हें हराया था और इन मतलब इनको हराया था, इन्होंने बाणभट्ट ने, नागभट्ट द्वितीय ने गोविंद द्वितीय को हराया था, ठीक है, तृतीय को हराया था, मगर जब इन्होंने इससे युद्ध करा, नागभट्ट द्वितीय ने चक्र युद्ध, इन्होंने साथ मिलकर इससे युद्ध करा था, ठीक है, इन दोनों ने साथ मिलकर इससे युद्ध कर, तो ये दोनों हार गए थे, ठीक है, पहले ये दोनों इससे हारे, जे इन्होंने इनको हराया, अब इन्होंने मिलकर इन्होंने इन तीनों को क्या कर दिया, हरा दिया, ठीक है, इन तीनों को हरा दिया, और इनके द्वारा गोविंद तृतीय ने क्या किया था, गोविंद तृतीय ने संघ रूप से,
संघ रूप से किस किस को पल्लव, संघ रूप से पल्लव, पांडु, चोल, ठीक है, चोल और गंग को संयुक्त रूप से हराया था। ठीक है, इन्होंने संयुक्त रूप से क्या हुआ था, इन तीनों को हराया था। किसने हराया था? गोविंद तृतीय ने क्या हुआ था, इनको संयुक्त रूप से क्या किया था, हराया था। इन्होंने इसको संयुक्त रूप से क्या किया था, हराया, इनको भी हराया था। ठीक है, क्या किससे हराया था, संयुक्त रूप से इन दोनों को हराया था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, अपने, फिर इसके बाद क्या किया था, इन्होंने अपने पुत्र को क्या किया था, अपने पुत्र क्या नाम था उसका, अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष का क्या किया था, गद्दी पर बैठा दिया था। किस पे? राज गद्दी पर। ठीक है, कब बैठाया था इन्होंने, बैठाया था कब, बैठाया था इन्होंने 814 ईस्वी में। किसको? अमोघ वर्ष को क्या किया था इन्होंने, राजगद्दी पर बैठा दिया था। किसने बैठा था राजगद्दी पर? गोविंद तृतीय ने राजगद्दी पर अमोघ वर्ष को बैठा दिया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, ठीक है, तो मेरे को भी लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग शेयर, कम से कम 10-10 लोगों को तो शेयर कर दीजिए, जिससे कि कंटेंट अच्छे, जो फ्री एजुकेशन के लिए जो लोग बच्चे तरसते हैं, उन लोगों को तक तो पहुँचाइए ये मेरा कंटेंट, कम से कम उन लोगों का तो कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है, इसलिए डाल रहा हूँ मैं कंटेंट, कि प्लीज़ मेरा ये निवेदन है कि जिन लोगों को मतलब ये कंटेंट की ज़रूरत है सख्त से सख्त, जो लोग पैसे नहीं दे सकते कोचिंग के लिए, कम से कम उन लोगों तक तो ये कंटेंट पहुंचा दीजिए आप। ठीक है, बस इतनी सी वो है मेरी, ठीक है, इतनी सी वो है कि आप लोग उन लोगों तक पहुँचा दीजिए। ठीक है, अमोघ वर्ष के बारे में पढ़ते हैं अपन। ये क्या थे? जैन धर्म के अनुयायी थे ये। किसके? जैन धर्म के, जैन धर्म के अनुयायी कौन थे? अमोघ वर्ष क्या थे? जैन धर्म के अनुयायी के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, इन्होंने कन्नड़ कवि, इन्होंने क्या कहते हैं, कन्नड़ भाषा में, किसमें, कन्नड़ में, कन्नड़ लैंग्वेज में किसकी स्थापना की थी? कविराज मार्ग की स्थापना की थी। किसकी? कविराज। मार्ग की स्थापना की थी, स्थापना की किसने की थी? अमोद वर्ष ने की थी। कविराज मार्ग की स्थापना की थी, किसमें की थी? कन्नड़ में। कविराज मार्ग की स्थापना की थी अमोद वर्ष ने। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जीवन के अपने अंतिम क्षणों में, ठीक है, देखिए कोई भी राजा होता है अपने शासन को अपने पुत्र को देने के बाद, उसको या तो ये होता है या तो समाधि ले ले, या ठीक है या तो इससे पीछे हट जाए, संन्यास ले ले। तो इन्होंने क्या किया अमोद ने, इन्होंने जीवन में, इन्होंने इन्होंने अपने पुत्र को, ठीक है, अपने पुत्र को क्या कर दिया, उत्तराधिकारी घोषित किया, उत्तराधिकारी घोषित किया। और इन्होंने अपने क्या किया था, तुंगभद्रा नदी में, किसमें, तुंग भद्रा नदी में इनकी, इन्होंने समाधि ले ली। समाधि कौन सी? जल समाधि ले ली। ठीक है, क्या किया था इन्होंने, जल समाधि के रूप में, किसमें, तुंगभद्रा नदी में क्या किया था इन्होंने, जल समाधि ले ली। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जल समाधि लेने के बाद इन्होंने अपने पुत्र को क्या किया था, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जिसका क्या नाम था, किसने, द्वितीय। ठीक है,
ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स बनाइए, ठीक है। जितना ना आप नोट्स में करोगे उतना अच्छा रहेगा आपको। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। देखिए, लाइक शेयर मैं जितना बोलूँगा तो ये नहीं है कि आप लोग रुक जाओ ना, लाइक शेयर आना चाहिए, ठीक है। रुकने का मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद कौन से राजा है, इसके बाद है कृष्ण द्वितीय। कृष्ण द्वितीय के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा। कृष्ण द्वितीय कब बैठे थे गद्दी पर, ये बैठे थे 6878 से 914 ईस्वी तक, 914 ईस्वी तक बैठे थे। इन्होंने कलचरी राजा की पुत्री से बात किया था, किसकी, चेद या कलचरी राजा की पुत्री। कलचरी राजा क्या नाम था इनका, इनकी राजा का नाम लिखूं तो ये कहोगे राजा का नाम भी नहीं बताया, कुंकाल की पुत्री से विवाह, किसकी, चेंदी या कलचुरी राजा, कुंकाल की पुत्री से क्या किया था, इन्होंने विवाह किया था। और इन्होंने किसकी, जंग तुंग की पुत्री से भी विवाह किया था, क्योंकि इन्होंने क्या किए थे, दो विवाह किए थे, ठीक है, से भी विवाह किया था, जो कि ओ सॉरी मतलब जे थी इनकी पुत्री का नाम, सॉरी ये इसने करा ना, हाँ जे थे इनकी पुत्री का नाम, ठीक है। क्या था इनकी पुत्री का नाम, इनकी पुत्री का नाम था जंग, जगतुंग, हाँ जगतुंग क्या था इनकी पुत्री का नाम था, इनके राजा की पुत्री का क्या नाम था, जगतुंग से क्या किया था, इन्होंने विवाह किया था, जिससे इन्हें क्या हुई थी, एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद इन्होंने अपने पुत्र क्या नाम रखा इसका, इंद्र तृतीय, इंद्र तृतीय, जो 915 ईस्वी से कब तक बैठा, 927 ईस्वी तक क्या किया था, इन्होंने शासन काल किया था। इनको इनका विवाह ठीक है, इनका भी विवाह किससे, कलचुरी की राजकुमारी से इनका भी विवाह हुआ था, ठीक है, जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था बीजाम्बा, ठीक है, बीजाम्बा जो क्या था इसका नाम था, जिससे क्या हुआ था, इनका विवाह हुआ था, ठीक है। क्या था, बीजाम्बा क्या था, जो कि कलचुरी की क्या थी, राजकुमारी थी, जिससे इनका विवाह हुआ था। इनका विवाह, इनके पिता का विवाह भी इनके ही वहीं हुआ था, मतलब एक तरीके से कही जाए तो इन्होंने अपने ही मतलब उसमें ही, ठीक है, अपने मम्मी जहाँ से थी उनको वहीं से इन्होंने क्या किया था, विवाह किया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मम्मी के वो होंगे वक्त, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, आने वाली वीडियो की आपको मिलेगी रोज़ सुबह की। आप डेली करंट अफेयर देखिए, डेली करंट अफेयर हर किसी पेपर में आती है, जो आपको भी पता है ये मेरे को भी पता, तो ठीक है उसको तो कम से कम देखिए, ठीक है उसको तो कम से कम देखिए, उसमें तो कोई वो नहीं है दोहरा है कि मतलब हाँ कि नहीं ये नहीं आती, ये नहीं आती, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इनके एक पुत्र हुए, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या हुए थे, इनके दो हुई थी इन्हें पुत्र की प्राप्ति, ठीक है, दो पुत्र की प्राप्ति हुई थी, एक अमोद वर्ष द्वितीय, एक पहले हो चुके इसके, और गोविंद गोविंद फोर्थ, फोर्थ क्या हुई थी, इनकी पुत्र की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। इसके बाद
इनको शासनकाल पे बैठा। इसके बाद इनकी कृष्ण तृतीय इनके पुत्र हुए, जिनको इनको बैठा था 918 से 934 ईस्वी, मतलब इनके संरक्षण में, जिनके पिता के संरक्षण में ही रहे। ठीक है, एक तरीके से कही जाए इन्होंने भी शासन किया, इनके साथ किया। ठीक है, इनके साथ क्या किया, इन्होंने शासन किया। और इनके बाद जो पुत्र बैठे थे कृष्ण तृतीय, इन्हें सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हुई गलती हुई गलती हुई, कृष्ण तृतीय इनके पुत्र तो थे, इन्हें भी गद्दी, मतलब राज इनको अलग दे दिया था। ठीक है, और ये कृष्ण तृतीय के जे क्या थे, जे पुत्र थे, और एक पुत्र और थे इनके, तीसरा विवाह किया था इन्होंने, किसने, इंद्र तृतीय ने थर्ड विवाह किया था। दो पुत्र हुए थे, दो विवाह किए थे। ये थर्ड विवाह किसके साथ हुआ था, इनका हुआ था कुंदिका। ठीक है, कुंदिका से क्या हुआ था, इनका विवाह हुआ था, जिसके बाद इन्हें गलती हो गई कुछ, कहीं गलती हो गई, ये कट करो इसको, यहाँ से कट करो, ये थोड़ा गलत हो गया। इनके दो पुत्र थे, एक ये थे एक ये थे, इनका क्या नाम था, इनका नाम था अमोद वर्ष तृतीय, अमोद वर्ष तृतीय, जिनका विवाह हुआ था कुंदा की, कुंदिका। ठीक है, तो इनको क्या हुआ था, इनके पिताजी ने दो दो शासनकाल सौंप दिए थे कि आप अलग करो आप अलग करो। इसके बाद इनका ये इनसे विवाह हुआ था, जिसके बाद इनको एक दो तीन और ये चार क्या हुए थे, एक पुत्री हुई थी इन्हें, जिसका नाम था रेविका, एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था कृष्ण तृतीय। ये थोड़ा ना मिस्टेक हो गया प्रथम द्वितीय तृतीय में। ठीक है, ये इनके एक दो पुत्र हुए थे कृष्ण द्वितीय के, क्या हुई थी, इनकी शादी हुई थी जगतुंगा से, तो इनके दो पुत्र हुए थे, इंद्र इंद्र तृतीय और अमोद तृतीय, इन्होंने दो पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद इन्हें अमोद वर्ष को कुंदिका नामक कुंदिका नामक से विवाह हुआ। इनकी एक राजकुमारी थी कुंदिका, जिससे क्या हुआ विवाह हुआ, और इनका विवाह हुआ कल्लचरी की राजकुमारी से विवाह हुआ, बिजाम्बी। ठीक है, तो इनको अभी शासनकाल इतना अमोद थर्ड, ठीक है, अमोद द्वितीय और ये अमोद तृतीय थे इनके पुत्र। इससे पहले ये पुत्र हुए थे, फिर ये हुए थे। ठीक है, इनका शासनकाल कब से कब तक था, इनका था 1934 से 939 ईस्वी तक, क्या हुए थे इनको, पुत्र हुए थे। ठीक है, इसके बाद कृष्ण प्रथम आए, इनको हुआ था 936 से 968 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, और इसके बाद है खेतन। ठीक है, इन्हें 968 से 68 ठीक है, निरूपम इसके इनके पुत्र हुए थे सिर्फ कारक या अमोद, इन्हीं को क्या कहते थे, अमोद वर्ष फोर्थ, जिन्होंने शासन कब किया था 972 से 973 ईस्वी तक, दो एक साल ही ये क्या कर पाए, शासन कर पाए। ठीक है, तो ये क्या है, इनका पूरी तरह से वो है। इसके बाद इनके एक पुत्र हुए थे इंद्र तृतीय, कब से, 1908 982 ईस्वी में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इन्होंने सब चीज़ को क्या किया था, अपना लिया था। ठीक है, इनको किसने मारा था, इनको मारा था राष्ट्रकूट सियार परमार ने। किसने मारा था, सियार परमार ने, क्या मारा था, सियार किसने, सियाक परमार ने क्या किया, राष्ट्रकूट वंश को खत्म किया। ठीक है, किसने किया था, सियार परमार ने। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम राजा कौन थे, इंद्र तृतीय
तृतीया को क्या कहते हैं, 962 ईस्वी में इनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी इस दिन, क्या कर दी थी इनकी, हत्या। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, राष्ट्रकूट वंश पूरी तरह से क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, इसके बाद कौन सा वंश आएगा, इसके बाद आएगा पाल वंश। देखिए आप लोगों को समझाने के लिए इसमें कुछ है नहीं, फिर भी आप लोग अगर समझना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, तो आप लोग को इसके बारे में समझा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करने दें, और जिन लोगों को ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, उन लोग प्लीज़ वीडियो भेजिए। जो लोग पढ़ने में मतलब पढ़ नहीं सकते, पैसे नहीं है उनका कोचिंग के लिए, उन लोगों का ज़रूर वीडियो भेजिए, आप लोग बहुत मेहरबानी होगी। थैंक्स फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।